आचूर्य स्वागत है। तो भाई एक न्यूज जो कि पूरी दुनिया में बड़ी सर्कुलेट कर रही है और मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए, कौन सी वो वीडियो है, कौन सी न्यूज है, टाइटल बताएंगे मौज। टाइटल है शॉकिंग केस ऑफ रोबोट सुसाइड इन साउथ कोरिया, नाउ द होल स्टोरी बिहाइंड इट बाय प्रशांत धवन। मतलब क्या अब ऐसा भी हो रहा है, क्यों हो रहा है जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का डिजाइन लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब भी लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब भी लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसको काफी बार कहा जाता है द मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो आत्महत्या का रेट है बहुत हाई है, ह्यूमंस काफी बार आत्महत्या करते हैं, मगर अब रोबोट भी सेफ नहीं है। हाल ही में एक केस सामने आया साउथ कोरिया का, जहाँ पर एक रोबोट ने भी कह दिया बहुत हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में आज के समय इस टॉपिक पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि क्या एक रोबोट आत्महत्या कर सकता है। एक केस सामने आया है साउथ कोरिया में जहां पर रोबोट ने आत्महत्या कर ली क्योंकि लगातार इससे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था। नाउ ये पूरा केस क्या है ये हम जानेंगे, साथ ही साथ साउथ कोरिया में आज के समय रोबोट्स का एक्सटेंसिव यूज जो हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नाउ साउथ कोरिया की आबादी आज के समय 5 करोड़ है, मगर ये 5 करोड़ की आबादी लगातार बहुत ज्यादा तेज स्पीड से गिरती जा रही है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ दशकों में पहले इनकी आबादी पहुंचेगी 4 करोड़ पे, फिर इवेंचुअली 3 करोड़ के आसपास भी आ सकती है। एक ह्यूज फॉल आ रहा है पूरे साउथ कोरिया में और ये सब हो रहा है इवन दो साउथ कोरिया की सरकार ने $270 बिलियन के इंसेंटिव बांट दिए। क्यों? कि और बच्चे पैदा करो, साउथ कोरिया की आबादी बढ़ाओ। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी पैसा दिया कि हर एक बच्चे के हम इतने पैसे देंगे, दुनिया भर के इंसेंटिव बांटे गए। आप खुद सोच कर देखो, भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन है, साउथ कोरिया ने अपनी आबादी मेंटेन करने के लिए ही $270 बिलियन खर्च दिए, मगर कुछ नहीं हुआ। फर्टिलिटी रेट आज भी 0.72 के आसपास है, दिस इज वेरी लो। और जब आपके देश में आबादी लगातार गिर रही है और बाहर से इमिग्रेंट्स अपने देश में अब लाना चाहते नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान ये ऐसे देश है, ये बहुत ज़्यादा होमोजीनियस सोसाइटीज़ हैं, ये अपने रेस के अलावा बाहर के लोगों को लाना पसंद नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन साउथ कोरियंस ने ये निकाला है कि इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे होटल्स में रोबोट्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और इनकी आबादी को भी आदत हो गई है कि ह्यूमन बींग से ज़्यादा ये लोग इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी जगह रोबोट से। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे, ये है साउथ कोरिया का स्टारबक्स। ये जो रोबोट्स हैं ये एक तरीके से वेटर्स का काम करते हैं और ये कस्टमर्स के पास जाकर जो इनका ऑर्डर है ये लेते हैं और ऑर्डर जाके डिलीवर कर देते हैं। नाउ ये अगेन आउट ऑफ नेसेसिटी किया जा रहा है क्योंकि लोग ही नहीं है काम करने के लिए। और सिंस साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है, क्योंकि अगेन यंग लोग आ नहीं रहे, तो एक बड़ी आबादी बूढ़ी हो चुकी है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए भी कोई है नहीं कि जाके कोई उनसे मिल के आ जाए। साउथ कोरिया की सरकार ने हाल ही में रोबोट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया अपनी एजिंग पॉपुलेशन को कंपनी देने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप के जो AI रोबोट की डॉल है ये दी है साउथ कोरिया के बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को कि देखिए ये आप ले लीजिए, पोता तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा इससे ही आप लुत्फ उठाइए और एक फील करिए कि पोता होता तो कैसा रहता। तो सिंस साउथ कोरियंस आज के समय हर जगह ही रोबोट्स को लाइफ में और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो इनके डिपार्टमेंट है, जो इनकी सरकारी नौकरियां हैं वहां पर भी रोबोट्स को इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 2023 में साउथ कोरियन सरकार एक PN का काम करने वाला रोबोट ये इम्पोर्ट करती है फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने एक बहुत हाईटेक रोबोट बनाया जो बेसिकली एलिवेटर इस्तेमाल कर सकता है, लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा और पूरे ऑफिस में एक फाइल कहीं पर पहुंचानी है, एक फाइल कहीं और पहुंचानी है, ये आराम से कर पाएगा ताकि बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको उठ के फाइलें टेबल से टेबल ले जानी ना पड़े। और 2023 में इसने अपनी सरकारी नौकरी शुरू करी बिना कोई एग्जाम पास किए, कोई SSC UPSC का एग्जाम भी नहीं हुआ था इसका, सीधा इसकी नौकरी शुरू हो गई। मगर ये रोबोट नॉन स्टॉप काम कर रहा था। साउथ कोरिया के देखिए जो वर्किंग आवर्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आ गई थी। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया का जो यूथ है इसे 70 घंटे नॉनस्टॉप काम करना होगा हफ्ते में, तभी जाके ओवरऑल इंडिया ज़्यादा आगे बढ़ेगा एज ए कंट्री। वेल, साउथ कोरिया भी इस विचारधारा से ज़रा दूर नहीं है। मार्च 2023 में नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट से कुछ महीने पहले साउथ कोरिया ने भी ये प्रपोज किया के 69 आवर्स का एक वर्क वीक हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली साउथ कोरिया की आबादी ने इसका एक बड़ा बैकलैश दिया और ये कहा कि 70 घंटे कोई काम ही करेगा अगर हफ्ते में,
तो लाइफ क्या बताएगा, सोएगा क्या, अपने बाकी काम कैसे करेगा, वो बेसिकली वो बस गुलाम ही हो गया, काम ही किया जा रहा है। तो इवन दो अभी के लिए साउथ कोरिया में ज़रातार जगह ये 70 घंटे का वर्क वीक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मगर कई साउथ कोरियंस हैं ये 50 घंटे, 55 घंटे, इवन कई केसेस में 60 घंटे भी नॉन स्टॉप लगातार काम करते हैं। और ये जो रोबोट है जो यूएसए से इम्पोर्ट किया गया था ये भी नॉन स्टॉप काम कर रहा था। आई मीन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा, कुछ रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जितने आवर्स पर डे के लिए इस रोबोट को डिज़ाइन किया गया था, साउथ कोरियंस इस रोबोट से उससे ज़रा काम निकलवा रहे थे। ना वो अचानक से क्या होता है, आज से कुछ दिन पहले ये रोबोट स्टेयर केस के पास जाता है, जबकि ये रोबोट स्टेयर केस को उतरने के लिए चढ़ने के लिए बनाया नहीं गया, ये स्टेयर केस के पास जाता है, अचानक से ये स्टेयर केस से नीचे गिर जाता है और उसके बाद डिसमेंटल हो जाता है। और ये दृश्य फिर सामने आता है बिल्डिंग में। कई लोगों ने कहा कि हमने खुद देखा है ये सब होता हुआ, रोबोट को कोई नीड नहीं थी, कहीं से किसी ने इसको प्रोग्राम नहीं किया था, किसी ने कहा नहीं था कि आपको स्टेयर केस के पास जाना है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, ये एलिवेटर्स लिफ्ट का यूज़ करता है बिल्डिंग में मूवमेंट करने के लिए। तो अचानक से इस रोबोट को क्या ये सूझा कि स्टेयर्स के पास चला जाऊँ और उसके बाद इस तरीके से ये गिर गया और इट इज़ प्रीटी मच डेड राइट नाउ, इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली सिंस साउथ कोरिया में इस बात को लेकर वैसे ही काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि ये लोग बहुत ज़रा काम करते हैं, लाइफ में काम के अलावा कुछ इनके है ही नहीं, और ये जो वर्क स्ट्रेस है, जो लाइफ का स्ट्रेस है, इसकी वजह से कई साउथ कोरियंस आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो साउथ कोरिया के ही इंटरनेट यूज़र्स ने इस रोबोट के ऊपर ऐसी स्टोरीज छापनी स्टार्ट कर दी कि क्या इस रोबोट ने आत्महत्या करी है, क्या ये दुनिया का पहला केस है जब एक रोबोट काम से इतना तंग आ गया, इतना ओवरवर्क हो चुका था वो कि उसने आत्महत्या कर ली। कि जो सेंटिमेंट्स एक बार एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं कि एक सर्टन लेवल तक ही आप उसको पुश कर सकते हैं, उसके बाद वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है, तो क्या रोबोट के साथ भी यही हुआ है। नाउ इस पूरे इंसिडेंट ने ना पूरी दुनिया का ध्यान फिर से ला दिया है वर्क स्ट्रेस पर। साउथ कोरिया देखो, दूर से आप अगर साउथ कोरिया देखोगे, के पॉप और जो भी उनके ड्रामास हैं, वो ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि एक बार को कोई इंडिया का हो जिसको नॉलेज नहीं है इतनी, वो दुनिया के बारे में इतना जानता नहीं है, वो बस अपने एक छोटा सा लेंस है उसके पास, यू नो यूट्यूब में के पॉप के गानों का या फिर कोरियन ड्रामास का, वो एक बार को एज्यूम करना स्टार्ट कर देगा कि यही है साउथ कोरिया, यही उनकी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया है, मुझे भी साउथ कोरिया जाना है। बट साउथ कोरिया में जो आत्महत्या का रेट है ये हाईएस्ट है अमंग मेजर एडवांस नेशंस। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि ह्यूमन बीइंग्स को ना सिर्फ साफ सड़कें और बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट और सब कुछ यू नो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है आपके आसपास, इस सब के बियॉन्ड उनको टाइम भी चाहिए खुद के लिए, दे नीड टाइम फॉर देमसेल्व्स। अगर कॉन्स्टेंटली उनको काम की तरफ ही धकेला जाएगा तो एक टाइम पे आकर दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग, जस्ट लाइक दिस रोबोट ब्रोक डाउन। नाउ अगेन इस रोबोट का ये सब करने का रीज़न क्या है ये शायद इन रियलिटी कभी हमको पता लगेगा नहीं, बट उम्मीद ये है कि इस इंसिडेंट से पूरी दुनिया में अवेयरनेस जागेगी कि जो हमारे अभी सपने हैं कि 69 आवर वर्क वीक, 70 आवर वर्क वीक, ये एक बार को बोलने को ठीक लगते हैं, बट इन दी एंड इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इरोड हो जाती है। और लोग अनफॉर्चुनेटली कभी कभी साउथ कोरिया के केस में तो एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं लाइफ से तंग आकर। तो होपफुली इस इंसिडेंट से अवेयरनेस जागेगी इस इशू को लेकर और लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि इन दी एंड देखिए हम सब लोग कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, वी वर ऑल बॉर्न टू लिव अ गुड लाइफ। नाउ फाइनली आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जो नकली नोट से इतना तंग आ गया कि इन लोगों ने अपने नोटों पर अब 3D होलोग्राम डाल दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है 3D होलोग्राम, बहुत इस पर आर्टिकल लग रहा है, इस पर इनका आज बचा हुआ है, मगर ये चाहते हैं कि इनकी करेंसी को काउंटरफेट ना किया जाए, ये जो नकली नोट का जो जुर्माना लग रहा है इनकी कंट्री में और ज्यादा ना बढ़े, तो एक बड़ा स्टेप लिया गया है। बताइए कि हाल ही में किस कंट्री ने ये किया है, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे रिसेंटली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, द स्टार्ट इज व्हाट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोग लाइफ में बस शुरुआत ही नहीं कर पाते, बस शुरुआत कहाँ से करनी है वहीं बैठ के रहते हैं। बस स्टडी IQ आपको मौका देता है एक करेक्ट तरीके से स्टार्ट करने का। स्टडी IQ का न्यू सीजन बैच 2
इस महीने की 8 तारीख को शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी टाइम है एनरोल करने का, ताकि 8 तारीख को आपकी पहली क्लास हो अंडर स्टडी आईक्यू। पहली क्लास का मतलब सब कुछ आप स्टार्ट से पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से होगी आपकी लाइव क्लास। तो इस नए बैच में प्रॉपर शुरुआत करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSEIS न्यू सीजन बैच 2 इंग्लिश बैच का। वैसे आप अगर प्योर हिंदी में परचेज करना चाहें तो उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर, और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे प्राइस लिखा है डोंट एवर पे दिस प्राइस, और जो यहाँ पे कोड्स लिखे हैं अगर आप ये कोड्स यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ 29,000 रुपीज पे कर रहे होंगे एक 30 महीने के कोर्स के लिए, मतलब के पर मंथ यू वोंट बी इवन पेइंग 1,000 रुपीज फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी, एंड एज आई ऑलवेज से May the gods watch over you। कैसी दुनिया यार बनती जा रही है। एक टाइम था जब हम फिल्में देखा करते थे जिसमें रोबोट्स जो हैं वो इंसानों पर जो है हुकूमतें करेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे तो बिल्कुल रिवर्स देखने को, मेरे रोबोट तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं यार। वैसे मैं बोलूंगी कि एक साइन है हम इंसानों के समझने के लिए कि आप जितना वर्कलोड बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेस में आते जाओगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। अब सही बात है, ये बात प्रशांत सर ने बिल्कुल सही की कि इस रोबोट के बारे में तो कोई भी इस चीज को, मतलब वो कहते हैं ना कि हकीकत सामने नहीं आ सकती, क्योंकि वो कोई इंसान तो है नहीं कि सही होने के बाद बता देगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, पर मेरा ख्याल है कि जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो भाई सबसे पहले तो एक चीज जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है कि भाई स्टेयर्स के पास नहीं जाना, वहीं से जाकर जंप कर दिया और टूट फूट का शिकार हो गया। लेकिन उसके अगर चाहे तो अंदर जो सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं या उसके अंदर जो रिकॉर्ड फीड होता है भाई उसे पता चलाया जा सकता है कि भाई ने क्यों खुदकुशी की, लेकिन दुनिया के सामने थोड़ी फिर उसे लाया जाएगा। बहुत सारी चीजें फाइलों में दबा दी जाती है। ऑब्वियसली फिर AI का जो एक स्कोप है या जो उसका यूज जिस तरीके से लोग करते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क जो है वो आना, एक कॉन्फिडेंस या एक ट्रस्ट जो है वो उस तरीके से बिल्डअप नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगी, जिस तरीके से उन्होंने साउथ कोरिया के बारे में बात बोली कि वहां पर इतनी ज्यादा आपको सुसाइड रेशियो जो है वो नजर आती है, इनफैक्ट जो मर्दों में, हाँ टाइटल हम लोग पढ़े थे उसमें मर्दों में ज्यादा औरतों में कम है। लेकिन एक चीज ये है कि मुझे इंसानों की समझ नहीं आती भाई कि उनका किस तरह का ये एक ना माइंडसेट होता है कि वो, मतलब एक डिफरेंस जो है वो एक मेंटेन रखते हैं लोगों के बीच में कि किसी और रेस के लोग जो हैं वो हमारी जगह पर आ जाएंगे, या उसके लिए वो इतना ज़्यादा आप देखो कि नुकसान उठा लेते हैं। आई मीन जिस तरीके से हमने स्टारबक्स में देखा, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मशीन्स जो हैं वो कभी भी इंसानों की उस तरह से जगह नहीं ले सकती। मतलब काम बिल्कुल हम उनसे करवा सकते हैं, बट जो एक आप कह लो कि कनेक्शन बिल्ड होता है इंसानों के बीच में, जो प्रेजेंस होती है इंसानों की और जो एक वाइब रहती है वो मशीन्स के थ्रू नहीं आपको आ सकती। मैं 100% एग्री करूंगा, क्योंकि आप किसी भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे आप इंसानों से जो एक कनेक्शन होता है ना, वो एक कंफर्ट लेवल, वो एक आपकी अटैचमेंट जो है जो इंसानों से वो डिफरेंट है। वो आपकी जो है वो इस तरह रोबोट्स आपके सामने आए ची 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 करते आए तो भाई सीधी सी बात है उससे आप उस तरह ठीक है इंसानों के साथ सो तजाद होते हैं, सो आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है इंसानों की एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करती है कि भाई एक अच्छी लाइफ के लिए, एक जो है आप दिल की बात शेयर करने के लिए। जैसे जो बुजुर्ग हैं उन्हें जो गुड्डे पकड़ा दिए कि भाई इसी पोते समझो यार, लिटरली बाकी एक चीज़ ऐसी है कि यार क्योंकि एक पॉपुलेशन भाई एक क्राइसिस है ह्यूमन का कम होता ही जाना इंसान आपका इतना ज्यादा, बिल्कुल ये एक क्राइसिस है। हालांकि एक बहुत ये फनी चीज लगती है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे पैदा किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन हाँ, जिन कंट्रीज में ये कम है लिटरली उनके लिए सर दर्द है। जैसे जो है भाई $270 बिलियन वो सिर्फ इस वजह से खर्च कर रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन वो बैलेंस हो सके। अच्छा, वैसे मेरे जहन में ये बात आई थी यहाँ से लोग ले जाए बहुत फर्टिलिटी रेट हो जाएगा, आपको वीजे बंद करने पड़ेंगे। दूसरे ही पल जो है उन्होंने
बोल दिया कि भाई वो किसी बाहर के लोगों को जो है वो नहीं एंटर होने देना चाहते, वरना मुझे लगता है ये स्किल हमारे यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा है। यही तो स्किल है। कि और किसी काम में तरक्की करे ना करे, बच्चे पैदा करने में आबादी में तो क्या हम कमाल कर देते हैं भाई तरक्की करने में। लेकिन लिटरली एक जो है ना साइन है खतरे की घंटी खाली में। ये चाइना को देख लो, चाइना में भी तो उन लोगों ने अब दोबारा से जो एक अपनी चाइल्ड पॉलिसी है उसमें वो लोग चेंज लेकर आए हैं। वो इसी वजह से लेकर आए हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी उन्हें। यार उसके साथ आपको यूरोप में भी जो है वो डिक्लाइन, एक जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये चीज जो है ना, मेरा ख्याल है कि अगर आपको अवेयरनेस देनी है ना तो आप उतनी अवेयरनेस दें जितनी जो है वो जरूरी हो। बहुत ज्यादा भी अवेयरनेस दे देना ना कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज में बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, ये भी एक जो है वो बहुत ज्यादा खराब चीज है। और दूसरी जो बीच में चीज गई 70-70 घंटों वाली वर्कलोड वाली, तो भाई एक चीज ना हकीकत है जब हम ऐसे कंट्रीज को देखते हैं ना, क्योंकि जब भाई वर्ल्ड रिपोर्ट्स आती है ना उसमें एक चीज जो है वो दिखाई जाती है कि भाई पाकिस्तान जो है वो हैप्पी इंडेक्स में काफी ज्यादा ऊपर है। तो जब आप ऐसे कंट्रीज की स्टोरी सुनते हैं ना, फिर आपको समझ लगती है कि भाई हैप्पीनेस जो है ना, जो इस लिहाज से वो हैप्पीनेस को तोल रहे हैं वो एक अलग चीज है, और एक पैसे वाली हैप्पीनेस जो है वो एक अलग चीज है। इकोनॉमिक टर्म्स में बेशक जो है बहुत ज्यादा नीचे आप जो है उसे लें, लेकिन हमारी जो देसी फैमिलीज है ना उनमें जितने मर्जी मसले मसाइल हो, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी ताने सुनने को मिले, बातें सुनने को मिले, लेकिन इन द एंड आपको एक चीज जो है ना, एक हैप्पी फैमिलीज जो हैं वो देखने को जो है वो मिलती हैं। आपको पोतों की कमी नहीं होती, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि भाई आपको यहाँ से भी रिलैक्स होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ पैसों से नहीं आती। आप खुश कितना रहते हो, आप अपने बारे में कितना सोचते हो, या मतलब यू नो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है मुझे लगता आ जाती हैं। आपकी फैमिली आ जाती है, फैमिली बॉन्डिंग मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फ्रेंड्स आपके मतलब वही मतलब मेंबर्स आपके, बजाय इसके कि आप एक यू नो बिल्कुल एक अलग फैमिली रहें, उससे ज्यादा बेहतर क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है फैमिलीज का, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बहुत जगह पर हेल्प भी करती हैं और उसके आपको साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप ज्यादा कौन सी साइड पर देखते हैं। सॉरी, ये लास्ट बात करने से पहले मैं भाई ये देखें, ये कितना बड़ा डिप्रेशन ये एक चीज होती है कि आप जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी दोस्त को फोन करें, यार मिलते हैं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो फौरन कहेगा ठीक है यार मिलते हैं, चलो आ जाओ बाहर, क्योंकि टाइम ही टाइम है। लेकिन ऑन दी अदर साइड भाई ऐसे कंट्रीज जहाँ पर जैसे अभी साउथ कोरिया, टाइम ही नहीं है, आपको किसी को फोन भी नहीं कर सकते, तो आपको जो है आप सोचें मेंटल लेवल जो है वो कितना डिस्टर्ब होता है। तो बजाय इसके कि जो मतलब एक पॉलिटिशियंस की तरफ से और जो थिंक टैंक्स होते हैं उनकी तरफ से ये एक रेस लगाई होती है लोगों के बीच में, आने वाले टाइम में हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचना, मुझे लगता है वो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, लोगों की हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कि मशीन्स नहीं बनाना उनको, उनको क्वालिटी लाइफ जो है मुझे लगता है बैलेंस लेकर चलें तो मुझे लगता है सब कुछ बेहतर होगा। और दूसरे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर कहीं दूसरे मुल्क से आके बंदा हमारे मुल्क में बस जाएगा ना तो कुछ हो नहीं जाएगा इस चीज़ से, उसे नेशनलिटी दे देनी चाहिए। एक मैं चीज़ ये भी बोलूंगी कि ना वाकई में आप दूर से, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, दूर से आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये कि जब आप थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में इन होते हो ना तो आपको समझ आती है कि कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं बाकी सारी दुनिया में भी। बाकी मैं कहूँगी भाई कि आजकल अच्छी अच्छी कोर्ट्स बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, जैसे प्रशांत हमन सर ने भी अभी बहुत कोर्ट जो है वो मतलब इसमें बताई, जिसमें उन्होंने मतलब ये बताया कि वाकई में पहला स्टेप लेना यानी कि स्टार्ट करना जो है वो मुश्किल होता है, यानी कि द स्टार्ट इज व्हाट स्टॉप्स मोस्ट पीपल, और ये मुझे अपने आप पर बड़ा लागू होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं देखते मतलब इसके बारे में जरूर जिक्र करूंगी। एनीवे गाइस, दिस इज तुम्हारी आज की वीडियो, सिक्स आदमी ने चैनल करें, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।